दीदी तेरा देवर दीवाना ये गाना किसका कॉपी था? छोले फिल्म की ही क्यों कॉपी की थी अनुपम खेर ने इस फिल्म में? माधुरी दीक्षित की फीस सलमान खान से क्यों है ज्यादा? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो। साल 1994 था और उस फिल्म के मेन लीड थे सलमान खान और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को माधुरी दीक्षित के करियर का सबसे बेस्ट फिल्म माना जाता है, इसलिए आज उनके बर्थडे के, जी हाँ आज उनका बर्थडे है और उनके बर्थडे के खास मौके पर उनकी ये फिल्म यानी कि हम आपके है कौन के कुछ खास किस्से आपसे शेयर करते हैं। बता दें ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये फिल्म नहीं चलेगी। फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सभी भविष्यवाणी को दरकिनार करके ये भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आजकल तो ऐसी बहुत सी फिल्म है जो कि करोड़ों से भी ज्यादा कमाती है, लेकिन उस दौर की ये पहली फिल्म थी जिसने करोड़ों कमाए और काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। आज हम आपके है कौन को 28 इयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म को देखकर आज भी वही प्यार और ताजगी महसूस होती है और इस फिल्म से कई लोगों की यादें भी जुड़ी हुई हैं। और यही वो फिल्म थी जिसने सलमान खान को सलमान खान बनाया था। तो जब फिल्म इतनी खास थी तो सोचिए कि इस फिल्म से जुड़े किस्से और भी ज्यादा मजेदार और खास होंगे, तो जरा इधर भी नजर डाल लीजिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उनके ही दादाजी तारा चंद बड़जात्या ने, और उनके दादाजी तारा चंद ने राजश्री प्रोडक्शन के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। और इस फिल्म में कई सारी चीजों को नए तरीके से ट्राई भी किया गया था, जैसे कि रेगुलर सीन्स और रेगुलर डायलॉग्स को उन्होंने फिल्म के गानों में ही बदल दिया था। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस फिल्म के गाने दिखताना के साथ। दरअसल जब सूरज ने अपने दादाजी को ये सॉन्ग सुनाया तो उनको इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने तो सोच लिया था कि इस फिल्म का नाम हटाकर हम दिखताना ही रख देंगे, लेकिन सूरज के बहुत मनाने के बाद उनके दादाजी मान गए और इस फिल्म का नाम एज इट इज हम आपके है कौन से ही रिलीज किया गया। और सबसे खास बात तो ये है कि इस फिल्म ने ना कि हमें लता मंगेशकर की आवाज सुनाई दी और ना ही एसपी बाला सुब्रमण्यम की। और फिल्म की शूटिंग के बीचों बीच अनुपम खेर लकवा हो गए थे और उनका बायां हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इसी रीजन की वजह से जब फिल्म में पूरी फैमिली मिल बैठ कर एक गेम खेलती है तो उन्होंने छोले फिल्म का ही एक डायलॉग सूझा और उन्होंने पुलिस फिल्म की नकल की, जो हाँ उस फिल्म में उनका एक किरदार निभाया था और उन्होंने उसकी नकल की थी जो उनका मुंह टेढ़ा था और उनको एक डायलॉग बोलना था जो कि धर्मेंद्र ने बोला था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस फिल्म में वो एक नकल नहीं कर रहे थे, उनका असली में मुंह टेढ़ा हो गया था क्योंकि उनको असली में लकवा हो गया था, इसलिए फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें उसी सीन को करने को कहा। और कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को सलमान खान से भी ज्यादा फीस मिली थी और ये चीज कोई बाहरी ने नहीं बल्कि उस फिल्म में काम करने वाले अनुपम खेर ने ही जाहिर की थी। और उन्होंने ये बात सिर्फ एक महिला और पुरुष के समानता की बात रखते हुए कहा था। और इस फिल्म को करने के लिए माधुरी दीक्षित को 2,75,35,729 रुपीस मिले थे और ये रकम उस दौर में काफी ज्यादा थी। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस दौर में सलमान खान से ज्यादा माधुरी दीक्षित को ही सबसे लाइमलाइट में रखा गया था और वो भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रह रही थी। और ये बता दें कि जब सलमान खान को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरा नजरअंदाज कर दिया और बात को टालते हुए ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म को सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज ने भी काफी पसंद किया, जिसमें से एक थे एम एफ हुसैन और हुसैन एक चित्रकार थे और उनको ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को 70 से भी ज्यादा बार देखा।
वो तो माधुरी दीक्षित के इतने बड़े फैन हो गए, उनकी हर एक अदाकारी और खूबसूरती को वो एडोर करते थे। और हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक चित्रकार थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने माधुरी दीक्षित की कई पेंटिंग्स भी बनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उनके ऊपर एक फिल्म भी बना डाली जिसका नाम था गजगांव मिली। पर लेकिन हालांकि वो फिल्म इतनी जोर से पिट गई बॉक्स ऑफिस पर, और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उस फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस फिल्म को देखने की चाह सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि इस भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विमला शर्मा की भी चाह हो गई थी। उन्होंने इस फिल्म को देखा भी था, सिर्फ देखी ही नहीं बल्कि इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर स्क्रीनिंग भी करवाई। और उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स को भी काफी बधाइयां भी दी, और इस बधाइयों को सुनकर और उनके इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स को सुनकर फिल्म के डायरेक्टर सूरज की तो काफी ठिकाना ही नहीं रहा खुशी का। इस फिल्म के लिए 12 अवार्ड को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस समेत इस फिल्म के अवार्ड को जोली में डाल दिया था। और लता मंगेशकर की इतनी प्यारी आवाज सुनकर उनको अवार्ड क्यों ना मिले। जी हाँ, उनको भी अवार्ड दिया गया था, और उनको दीदी तेरा दीवाना गाने के लिए उनको काफी अच्छे से सम्मान किया गया था। और फिर अवार्ड लेते वक्त उन्होंने ये किस्सा गाने का बहुत ही अच्छा शेयर किया, जो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये गाना गाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और मैंने ये बात फिल्म के डायरेक्टर राम लक्ष्मण से भी जाहिर किया था और बोला भी था कि ये फिल्म का गाना नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये गाना गाया, और उसके बाद नतीजा सबसे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला उनको इस गाने के लिए, और ये गाना सुपर हिट साबित हुआ। तो आपको हम आपके हैं कौन फिल्म कैसी लगती है कि आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।